हमारे बूढ़े बुजुर्ग सच कहते हैं कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। ऐसे में काजू भी इससे दूर नहीं है। ऐसे तो काजू खाने के बहुत सारे फायदे हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, इसी कारण कुछ लोग इसे जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। वैसे तो काजू विटामिन, खनिज और फाइबर के अच्छे स्रोत होते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। काजू को अगर सीमित मात्रा में खाया जाए तो इससे सेहत दुरुस्त रहती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खा लेने पर काजू शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। आमतौर पर एक दिन में 4-5 और ज्यादा से ज्यादा 8-10 काजू खाने सही माने जाते हैं। अगर इससे ज्यादा काजू एक साथ खाए जाएं तो उन्हें जरूरत से ज्यादा कहा जाता है और सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर से पीड़ित मरीज ना खाएं काजू, क्योंकि काजू में सोडियम होता है और ये ब्लड प्रेशर को और अधिक बढ़ा देता है। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो काजू का सेवन आपको और भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीज को काजू नहीं खाना चाहिए, और अगर खाते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में, वो भी डॉक्टर की सलाह लेकर ही खाएं। वजन बढ़ा सकता है। काजू में कैलोरी और फैट होता है जो हमारे वजन को बढ़ाता है, इसलिए अगर आप फिट रहना चाहते हैं और अपने वजन को घटाना चाहते हैं तो काजू का ज्यादा सेवन ना करें, वरना वजन घटने के जगह और बढ़ जाएगा। काजू में आयरन की अधिकता पाई जाती है। आयरन का ज्यादा सेवन करने से सेल्स का काम प्रभावित होता है। आयरन सेल्स में जाकर जमा हो जाता है। अगर यह फेफड़ों की सेल्स में जमा हो जाए तो अस्थमा के लक्षण नजर आ सकते हैं। व्यक्ति के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है और बलगम ज्यादा बनने लगता है। अगर आपको माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या है तो भी आपको काजू नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है कि काजू में अमीनो एसिड टायरामिन और फेनिथाइलमाइन मौजूद होता है। ये दोनों चीजें सिर दर्द की समस्या को और भी बढ़ा देती हैं। इसलिए जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है वो काजू के सेवन से दूर रहें। काजू को यूं तो डाइजेशन के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट काफी अधिक होता है, लेकिन जब आप बहुत अधिक मात्रा में काजू खाते हैं तो इससे आपको डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। ज्यादा काजू खाने से आपको ब्लोटिंग, गैस व डायरिया जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ काजू में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सलेट पाया जाता है। जब इसे अधिक मात्रा में खाया जाता है तो यह ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स का कारण बन सकता है। इसलिए अगर आपके घर में किडनी स्टोन की हिस्ट्री है तो ऐसे में काजू का अधिक सेवन करने से बचना चाहिए। काजू की ज्यादा मात्रा खा लेने से किडनी की बीमारी, फेफड़ों की समस्या, वजन बढ़ना, लो बीपी आदि समस्याएं हो सकती हैं। एक दिन में 4 से 5 काजू से ज्यादा न खाएं। इसे रोज नहीं खाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।